अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम अर्धशीर था। वो अपनी हुकूमत को बढ़ाने के लिए बहुत से छोटे छोटे बादशाहों को अपने साथ मिला लिया था। अब उसकी नज़र सल्तनत सुरियानिया की तरफ थी। ये बड़ा मुल्क था। चुनांचे अर्धशीर ने उस मुल्क पर चढ़ाई कर दी। वहाँ का बादशाह एक बड़े शहर में किला बंद था। अर्धशीर ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया। काफी अरसा गुजरने के बावजूद भी वो उस शहर को फतेह न कर सका। एक दिन बादशाह की बेटी किले की दीवार पर चढ़ी तो अचानक उसकी नजर अर्धशीर पर पड़ी। उसकी खूबसूरती को देखकर शहजादी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और इश्क की आग में जलने लगी। बिलाखिर नफ्स के हाथों मजबूर होकर उसने एक खत लिखी कि ऐ हसीनो जमील बादशाह, अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करो तो मैं तुम्हें ऐसा खुफिया रास्ता बताऊंगी जिसके जरिए तुम थोड़ी सी मशक्कत के बाद आसानी से इस शहर को फतेह कर लोगे। फिर शहजादी ने वो खत एक तीर के जरिए अर्धशीर बादशाह के जानिब फेंक दिया। उसने उस खत को पढ़ा और अर्धशीर बादशाह ने उसका जवाब लिखा कि अगर तुमने ऐसा रास्ता बता दिया तो तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाएगी, ये हमारा वादा है। और उसने वो खत एक तीर के जरिए शहजादी के जानिब फेंक दिया। शहजादी ने जब वो खत पढ़ा तो फौरन खुफिया रास्ता का पता लिखकर एक खत बादशाह की तरफ फेंक दिया। सहावत के हाथों मजबूर होने वाली इस बेमुरव्वत शहजादी के बताए हुए रास्ते से अर्धशीर बादशाह ने बहुत जल्द उस शहर को फतेह कर लिया। गफलत बेखबरी के आलम में बहुत सारे सिपाही हलाक हो गए और शहर का बादशाह भी कत्ल कर दिया गया। हस्बे वादा अर्धशीर ने शहजादी से शादी कर ली। शहजादी को ना तो अपने बाप की हलाकत का गम था और ना ही अपने मुल्क की बर्बादी की कोई परवाह। बस अपनी नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक होने वाली शादी पर वो बेहद खुश थी। दिन गुजरते रहे, उसकी खुशियों में इजाफा होता रहा। एक रात जब शहजादी बिस्तर पर लेटी तो काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। वो बेचैनी से बार बार करवटें बदलती रही। अर्धशीर ने उसकी ये हालत देखी तो कहा, क्या बात है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? शहजादी ने कहा, मेरे बिस्तर पर कोई चीज है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। अर्धशीर ने जब बिस्तर देखा तो चंद धागे एक जगह जमा थे। इनकी वजह से शहजादी का इंतहाई नरम नाजुक जिस्म बेचैन हो रहा था। अर्धशीर को उसके जिस्म की नरमी व नजाकत पर बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा बाप तुम्हें कौन सी गिजा खिलाता था जिसकी वजह से तुम्हारा जिस्म इतना नरम और नाजुक है? शहजादी ने कहा, मेरी गिजा मक्खन, हड्डियों का गूदा, शहद और मगज हुआ करता था। अर्धशीर ने कहा, तेरे बाप की तरह आसाइशे व आराम तुझे किसी ने नहीं दिया होगा। तूने अपने बाप के एहसान का इतना बुरा बदला दिया कि उसे कत्ल करवा डाला। जब तू अपने सफीक बाप के साथ भलाई ना कर सकी तो मैं भी अपने आप को तुझसे महफूज नहीं समझता। फिर अर्धशीर ने हुक्म दिया, इसके सर के बालों को ताकतवर घोड़े की दुम से बांधकर घोड़े को तेजी से दौड़ाया जाए। हुक्म की तामील हुई और चंद ही लम्हों में उस नफ्स परस्त शहजादी के जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गए। दोस्तों, अगर इंसान अपनी कब्रों आखिरत को भूल जाए तो फिर इसी तरह की जिल्लत रुसवाई में मुब्तिला हो जाता है। ऐसा शख्स ना तो दुनिया में कामयाब होता है और ना ही आखिरत में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।